गाइस वेलकम बैक टू मर्दिका व्लॉग्स। और आज हम लोग का क्या है, एनिवर्सरी। तो हैप्पी एनिवर्सरी टू माय लव। क्या झूला खोल के देखी? झूला है ना क्या? हमको खोल के देखी। अच्छा ठीक है। अरे वाह, बड़ी सालों बाद पुरानी यादें आ गई ग्रीटिंग कार्ड की। हम जब हम 12th में थे तब इसका प्रचलन था, अभी कम हो गया मोबाइल की वजह से। तो हम आपको बैक साइड करके दिखाते हैं। ये देखिए, हैप्पी एनिवर्सरी भाई, फोन बनाया अमर्तिका। उसमें प्यारे प्यारे नोट्स भी हैं, तो क्या आप पढ़ेंगे? नोट्स अभी पढ़ना है तो क्या आप भी पढ़ लीजिए। चलो ठीक है, अभी मैं पढ़ता हूँ। इसमें भी लिखा है क्या? नहीं, उसको ओपन करिए। इसको पढ़ते भी हैं, ओपन करना है। My name is Shadi Bhai and I it only got better than I married you. Here is to 6 years being married, my dearest. I love you. Oh, मेरी तरफ से I love you too. I love you so lot. And second, today we celebrate 6 years of marriage. I love you so much. God sure knew what he was doing when he bought me you. You truly compliment me. Compliment me. Oh, compliment me, sweetheart. I love you so much. I love you very, very much. Love you so lot. Okay. Next, open करिए। अभी इसको मैं close करता हूँ। ये दिल भी खोलना है क्या? जी। ओके जी। Sorry. तो आपको ये card कैसा लगा है? Card तो बहुत अच्छा है। Oh. इतना सारा लिखा है क्या इसमें? तो क्या, आई एम सो लकी टू हैव यू एज माय हस्बैंड एंड दिस इज द बेस्ट डे इन माय लाइफ। और मेरे भी है आपके स्पेशल। ठीक है, प्यार और विश्वास का ये गठबंधन है ये मेरे और आपके रिश्ते का, जिसने हमें नई पहचान दी। हमारा रिश्ता 7 जन्मों का नहीं बल्कि जब तक धरती और आसमान है तब तक रहेगा। मेरी तरफ से नाउ यू आर द वन I want to have a marriage. Okay. Million adventures. Million adventures with a fall in love with all of over again. I love you. अब कार्ड मैंने बनाया तो हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आई विश यू हैप्पी एनिवर्सरी टू मी एंड यू। बढ़िया, अच्छा कार्ड है। इतना तो मैं मेहनत कभी नहीं कर पाता, ये सब लड़कियों का ही काम है इतना करने का। मेरे तो इतने नोट्स मेरे हैं पर कार्ड बनवाया है मैंने वर्तिका से, मेरी छोटी सिस्टर से। ये असली दिल है क्या? असली दिल है। असली दिल है। हाँ हाँ। आई होप द इयर्स टू कम यू फिल विद एज मच लव हैप्पीनेस एंड टुगेदर एज द इयर्स हैव पास्ड। Okay, happy anniversary to the best husband. Oh my God! And now last card, I have opened, and इसमें आपने लिखा है, you make me feel beautiful. अच्छा, मतलब मैं आपको सुंदर महसूस कराता हूँ। Okay, protected. मतलब मैं आपकी सुरक्षा भी करता हूँ and love. जैसे शादी होती है लोग उससे लव ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ स्पेशल से होते हैं। You make me better person every day. और बाकी लोगों का हम क्या जाने, हम तो आपको ही जानेंगे ना। बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ लास्ट में आपने लिखा है थैंक यू फॉर लविंग मी। ओके, मैं वैसे कहना चाहता हूँ मैं अपने चाहने वालों को सभी को मैं प्यार करता हूँ, बट आपको थोड़ा उससे ज्यादा करता हूँ। तो ये रहा मेरा, आप कार्ड देख सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच वर्तिका फॉर दिस लवली कार्ड। और फीलिंग मेरे हैं कार्ड वर्तिका का, ये देखिए। स्पेशली थैंक्स फॉर वर्तिका। ओहो सॉरी, फिर से
हैशटैग अमर्तिका और स्पेशल थैंक्स फॉर दिस लवली कार्ड वर्तिका मेड बाय वर्तिका बट फीलिंग मेरी है क्योंकि अभी मिलते हैं हम लोग बनारस चलने के बाद। ठीक है आपको मेरा बहुत अच्छा लगा अभी तो दिन की बहुत बहुत आगे देखिए क्या क्या होता है और हम लोग कहाँ जाते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे। अभी मुझे पता रेडी होने के हम कहाँ जाएंगे बस यहाँ से निकलने वाले हैं घर से निकलेंगे फिर जहाँ ले जाएगा दिल वहाँ जाएंगे ना। हाँ तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद और ये रहा मेरा आउटफिट फुल लुक दिखाती हूँ मैं रेडी होके। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और ये रहा मेरा फाइनल लुक में पैर छू लेते हैं इनको सुबह पता नहीं कौन सा भक्ति गाना बज रहा था अभी तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने ठीक है आते हैं शाम को घर में। हम लोग अष्टभुजी दर्शन करने शिवपुर में ये पड़ता है ना। जरूरी है तेज चिल्ला के बोले तभी होता है अच्छा ऐसा है क्या। तो अभी हम लोग आए हैं ये शिवपुर में मंदिर पड़ता है मंदिर तो बंद रहता है ना 12 बज गया होगा ना। दर्शन करने पर मंदिर बंद है कोई बात नहीं बट इनके दरबार में तो हम लोग आ गए ना है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे खाना खाने अभी हम लोग चल रहे पेट पूजा करने के बाद कुछ करेंगे ना। तो चलिए लौटते वक्त वहाँ महावीर मंदिर दर्शन कर लिया जाएगा यहाँ बंद है तो हम लोग महावीर मंदिर चले जाएंगे लौटते वक्त। तो बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं हम आपसे कुछ देर में तब तक मेरा फाइनल लुक भी तो दिखा दीजिए। मंदिर तो हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ का व्यू देख लीजिए आप लोग बहुत। चलिए पास से आपको तालाब दिखाते हैं यहाँ का है ना। ये देखिए जो है संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मंदिर बंद था तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब अगला पड़ाव हमारा क्या होगा ये हम आपको नहीं बता देते हैं। क्या चलते हैं श्री शिवाय। हम लोग श्री शिवाय जा रहे हैं अब वहाँ देखते हैं क्या है क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना। हाँ तो वहाँ का भी देखते हैं कैसा क्या है वहाँ का भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या है। तो वहाँ पे जो होगा जैसा होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे बने ही हम लोग के साथ। हम लोग चल दिए श्री शिवा रेस्टोरेंट की तरफ से और ये है रास्ता बीच में पड़ता है ये रास्ता ये देखिए सेंट्रल जेल रोड की तरफ जाता है शिवपुर चुपेपुर।
तो अभी हम लोग चल रहे श्री शिवा रेस्टोरेंट, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, दिखाते हैं आपको रेस्टोरेंट का। और अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग होगा तो हम रेस्टोरेंट का नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। तो अभी हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे। ओके, बने रहिए हमारे श्री शिवा रेस्टोरेंट के अंदर का। आप देख सकते हैं ये बड़ी सी थाली आ गई, मतलब थाली लगी रहती है यहाँ पे। हमें लगता है यहाँ पे थाली ही मिलता है। तो ये सब सैलेड था और यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे आइटम आ रहे थे, सैलेड, इडली, ढोकला, समोसी, अचार, रायता, मिस्सी पराठा और बहुत कुछ था। यहाँ पे एक एक करके वो सब सर्व करते जा रहे थे, तो काफ़ी सारे आइटम थे। और यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और यहाँ पे बता रहे थे हम, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो हमने सोचा वॉइस ओवर कर। तो हम लोग का खाना पीना हो गया, बाकी सारे आइटम हमें बच गए हैं। तो बड़ी थाली थी कि हमने पर काफ़ी हद तक बहुत कुछ बचे सब्जी बचे, सब्जी मैं वैसे नहीं खाता हूँ। और बड़ी थाली थी तो हमारा पेट हो गया फुल। वाराणसी सिटी, ये रेलवे वाला है ना, आरक्षण केंद्र है ना। अभी ट्रेन भी मिलता है। क्या है? ट्रेन भी मिलता है यहाँ से, ट्रेन भी मिलता है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिए बहुत ही सुंदर बन गया। ये देखिए इंजन का दिखाया गया है, रेल के इंजन का है ना। काफी चेंज हो गया ना, जब हम लोग आए थे तब ऐसा नहीं था ना। यहीं पे हम लोग आए थे ना दिल्ली से लौटते वक्त। अरे जब सिर्फ हम और आप गए थे। बाद हम लोग गए नमो घाट घूमने, तो नमो घाट घूमने तो गए थे बहुत मन से, पर इतना धूप था कि फिर हालत खराब हो गया था। और हस्बैंड पार्किंग में चाहिए नमो घाट। आ गए ये पार्किंग करके। अच्छी रख लोगी? जी रख लो। चल दिए थे नमो घाट की तरफ, जो गाड़ी पार्क करके फिर मिलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का सब कुछ। अच्छा इसके अंदर काफी धूप है। कहाँ आए हैं? नमो घाट पे। उस दिन तो हम लोग को बैठने में भी नहीं मिला, आज बैठने के लिए भी मिला है। देखिए बच्चों को नाम बुला बुला कर चिप्स और दिया जा रहा है नमो घाट पर। खासकर इतने गर्मी में कोट कौन पहनाता है? बच्चों को देखो कोट भी पहना के लाए हैं। यहाँ पर देखिए ये मैडम बैठी हुई हैं। हमने यहाँ पे ये बताया कि बच्चों को तो ठीक है घुमाने लिया, लेकिन कोट पहना कर कौन बच्चों को लाता है? देख रही हो? हाँ ये हो सकता है। अभी कहाँ जाएंगे? ये मॉल जाने के लिए बोल रही है, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कोई भी मॉल चलेंगे। कोई बात नहीं, आपको इतना सुंदर बनाया गया है नमो घाट को कि देखने लायक तो है, पर शाम के समय, इस समय तो आप शाम के समय ही जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम लोग नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर का दिखा दीजिए। ये देखिए घाट काफ़ी क्लीननेस है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है ना। हाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पे ठंड के दिन में बहुत मजा आता होगा। हाँ अभी तो ठंड इतना नहीं, शाम के समय अच्छा। हाँ तो ये है कि धूप में सबसे अच्छा है चश्मा लगा कर आइए, सारे व्यू का मजा लीजिए। कैसी लगती धूप का?
आनंद लीजिए ना। हाँ, अन्यथा आपके साथ ऐसा होने वाला रहेगा कि आप अपनी शक्ल को खुद नहीं पहचान पाएंगे। आराम से धूप सेक रहे हूँ, मतलब धूप का कोई मतलब नहीं है। चुके हैं नमो घाट पे पहुँच चुके हैं, ये देखिए हमारे मैडम को। अच्छा भी रहता है। तो हम लोग आ गए जी एच बी। हाय, हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी। कुछ कुल मिला के हाँ हेलमेट टांग दे जाएंगे। टांग दीजिए ना। मुझे तो बहुत तेज लगा है। तो फाइनली हम लोग जेएसवी मॉल पहुंच चुके हैं। बाहर बहुत धूप है भैया, बहुत धूप है, मतलब बहुत धूप है। कुल मिला के समझ लीजिए कि अगर आपको कभी भी गर्मी प्लान करें, आप आइए मॉल में, आइए आराम से अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, मूवी देखिए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए, है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, हस्बैंड गए हैं वॉशरूम। इसको देख के समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ आए। अरे ये देखो, ये भी कागज का है। सही है ना। और तो मुझे लगा है बहुत तेज प्यास के, पहले हम पियेंगे पानी। अच्छा, प्यास लगने पर लगता है जन्नत मिल गई है। अभी भी नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है चश्मे में स्मार्टनेस बढ़ गई है। स्मार्टनेस की हद पार कर जा रहे हैं आप, पर और क्या सकता है। चल जाओ ना बीच में, बीच वाला लड़के हो। Love you for this. पता है मैंने सबसे अच्छा क्या किया था? मैंने सबसे अच्छा किया था कि मैं टी शर्ट भी पहना था और शर्ट भी पहना था। उससे हो गया, जिस जगह पे जैसे अगर जरूरत हो वैसे कर सकते हैं। अरे आप हैं इंटेलिजेंट वेरी। मैं लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि लोग आलू टिक्की बर्गर खाएं, 47 रुपीज़ का है। आलू टिक्की बर्गर खाएं, वो भी मैकडी का। आई थिंक बहुत अच्छा लगता है इधर का, ऐसा मिलता नहीं है कहीं भी आपको, जो हुए आलू टिक्की बर्गर इस टाइप का। ठीक है, हम लोग इंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, है ना। हम लोगों का खाना पीना हो गया।
सब पिए, सब हमने खा पी लिया और ये देखो फिर इसके ऊपर आइस बचा है आइस। और ये हमेशा की तरह बिजी होते हुए एनिवर्सरी हम लोग का बहुत अच्छा बीता है ना। अब यहाँ से चले रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए अभी रिकॉर्डिंग कर रही है, जिस पे बढ़िया आएगा उसको हम लोग इसमें लेंगे। वाह चश्मा लग गया। चश्मा जरूरी है ना, चम्मा जरूरी है, चम्मा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अब जा रहे हैं और अभी आप हम लोग बनाएंगे सैंडल ना, हम लोग आ गए घर वापस, तो अच्छी बात है ना। अब यहाँ मतलब घूमना फिरना हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जाना है ससुराल भी और घर पे भी जाना है। ससुराल भी जाना है, ससुराल भी जाना है, घर पे भी जाना है। नहीं मायके है, मायके जाना। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आगे का जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। ओके तो बने रहिए हमारे साथ।